हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं लाया हूँ एक कंपैरिजन छोटा सा, और यहाँ पे अपने पास दो बेस्ट बाइक्स खड़ी अपने सेगमेंट की। इस कंपैरिजन में हम ज़्यादा स्पेकशीट पे नहीं जाएंगे, दोनों बाइक्स चला के देखेंगे, मज़े करेंगे। और एक्चुअली आज मेरा राइड करने का बहुत ज़्यादा मन था, सो इसलिए मैं सोचा चलते हैं, थोड़ा राइड करेंगे, कंटेंट शूट कर लेंगे आप लोग के लिए। एंड स्टार्ट करते हैं, हम दोनों बाइक को स्टार्ट करके दोनों की एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। एंड बाय द वे, जी का एग्जॉस्ट देखने में भले ही स्टॉक लग रहा है, बट थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। फिलहाल मुझे लगता है कि CBR की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा लाउड होने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो, चलो। सो एक बार दोनों बाइक्स की आवाज़ सुना देते हैं। स्टार्ट करते हैं Z900 से। आप देख रहे हो इसका एग्जॉस्ट एकदम स्टॉक लग रहा है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज है। एक्चुअली अंदर का जो कुछ पोर्शन है वो नीतीश भैया ने इसको मतलब शायद कट करके निकाल दिया था, तो जिसकी वजह से इसका लुक तो स्टॉक रह गया है, बट आवाज़ चेंज हो गई है। बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली काफ़ी स्पोर्टी साउंड करने लगी है। एंड दूसरी तरफ अपनी ब्लेड में लगा है ऑस्टिन रेसिंग का टाइटेनियम एग्जॉस्ट विद कार्बन टिप, तो इसकी आवाज़ तो आप लोगों ने अब तक सुनी ही है। तो स्टार्ट करते हैं Z900 को पहले। अब इसकी आवाज़ सुनाते हैं। ऐसे कैमरा पकड़ के ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बाइक राइड करते हैं, थोड़ा एंजॉय करेंगे। एंड देखते हैं दोनों बाइक्स, क्योंकि Z900 जैसा एक्सेलरेशन तो बहुत ही अच्छा है। अगर CBR की बात करें तो टॉप एंड बहुत अच्छा खींचता है, मतलब हर गियर में काफ़ी ज़्यादा स्पीड बनाती है। तो दोनों बाइक्स चला के देखेंगे, एंजॉय करेंगे। सबसे पहले हम चला रहे हैं Z900, एंड पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे इंस्टेंटली कि इसका पोस्चर काफ़ी अलग है, बहुत ही ज़्यादा अपराइट है, बहुत ज़्यादा मतलब बैकबोन एकदम स्ट्रेट रहती है आपकी। CBR थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी है। एंड इसको पुल करते हैं एक बार, देखते हैं। ज़बरदस्त एक्सेलरेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त। और मतलब अगर सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करें तो डेफिनेटली CBR से तेज़ एक्सेलरेट होती है ये, बट क्या होता है ना, नेकेड है तो उस वजह से जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना, फिर इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट होता है, जो भी नेकेड बाइक्स हैं तो उसमें तो ये सब प्रॉब्लम होनी ही है। जो आगे वाला व्हील है आफ्टर 200, वो थोड़ा सा ऐसे अनस्टेबल फील होने लगता है। बाकी लेकिन जिस तरह से ये एक्सेलरेट होती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आ जाती है। एक्चुअली इतनी ज़्यादा मज़ा आ रही थी, इतना एक्साइटमेंट था कि ग्लव्स में बैग में भूल गया अपने, अभी याद आया मैं जब यहाँ तक आ गया हूँ। सो आवाज़ सुन लो एक बार, आवाज़ देख रहे हो कितनी प्यारी आ रही है। जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो उतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है जितना CBR का है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आप थ्रॉटल लोगे तो वो बिल्डअप करके पकड़ती है, जैसे CBR में आप यूँ करोगे तो वो जर्क देती है इंस्टेंटली। बाकी जो इंजन का नेचर है वो ऑलमोस्ट क्लोज लगेगा आपको CBR की तरह ही। पोस्ट 5000-6000 RPM इसमें सारी पावर आती है, और उसके बाद ये अलग ही, मतलब मुझे लगता है अगर आप फर्स्ट गियर में हो गए एंड फर्स्ट गियर में आपने पुल किया, 5000 RPM के बाद ये गाड़ी नीचे नहीं रहती है, इसको उठना ही होता है। और लिटरली इतनी ज़्यादा पावर है, एक बार इसका 0-100 टेस्ट करते हैं, मेरा बहुत मन है। लेट्स सी, थोड़ा सा और स्ट्रेट रोड पे आ जाएं उसके बाद चेक करते हैं। बाकी स्पीडोमीटर थोड़ा बेसिक लग रहा है, ऑल दो जो नया वाला अपडेट आया है उसमें स्पीडोमीटर की जगह पूरी TFT कलर TFT डिस्प्ले लगा दिया है। सो जब वो अवेलेबल होगी ना, वो भी मैं लाता हूँ आपके लिए वीडियो में, और मज़ा आएगी आपको देख के, अच्छा लगेगा कि काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। और सच में कावासाकी वाले थोड़ा अपनी जो भी कस्टमर्स हैं उनका सुन रहे हैं, एकदम क्लियर है। तो चेक कर लेते हैं एक बार अब कि ये हर गियर में कितनी स्पीड बनाती है, लेट्स सी। तो ये वाला कोई एक्सेलरेशन टेस्ट नहीं है, फर्स्ट गियर में 99, सेकेंड में 129, थर्ड में 159, फोर्थ गियर में 186,
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद CBR 650 अपनी फोर्थ गियर में 200 क्रॉस कर लेती है। कुछ गाड़ियों में शॉर्ट गियरिंग होती है, कुछ गाड़ियों में टॉल गियरिंग होती है, तो उस पर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। हम ले लेते हैं यहाँ से वापस टर्न, और ये ऐसी व्हीली मशीन है ना, मतलब जो लड़का इतना व्हीली पसंद करता है उसको आप Z900 दे दोगे तो थोड़ी बहुत व्हीलीज तो पड़नी। ऑल दो पहले बता दूँ, बहुत ही सेफ लोकेशन है, देख लो एकदम कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, और एक्चुअली थोड़ी धूप भी हो रही है तो इस टाइम कौन ही आएगा इधर। क्या चीज़ है भाई, अगर पावर की बात करें तो मुझे लगता है ये बनाती है समवॉट 120-118 BHP के आसपास। ऑल द मैंने पावर फिगर्स कुछ भी ऐसा चेक नहीं किया है, बस राइड करने का मन था, आप लोग के लिए थोड़ा बहुत शूट करने का मन था तो मैंने कहा चलते हैं, और काफ़ी दिन से एनिमेशन मिला भी नहीं था तो मैंने कहा आज थोड़ा राइड वाइड हो जाए, मज़ा आएगी। तो उसके बाद अगर बात करें तो इसका क्लच थोड़ा हार्ड साइड पे, इनफैक्ट ये वाला क्लच थोड़ा पुराना भी हो गया है वायर, तो इस वजह से भी हो सकता है, बट कंपैरेटिवली CBR का क्लच मैंने उतना सॉफ्ट क्लच अभी तक किसी और बाइक का देखा ही नहीं है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, कभी कभी थोड़ा सा फीडबैक मिस करता है वो, तो हार्ड तो खैर ये तो बहुत ज़्यादा ओवर हार्ड लग रहा है, मुझे लग रहा है वायर का भी थोड़ा सा इशू है। बाकी स्पीडोमीटर के बारे में बता दिया मैंने, थ्रॉटल रिस्पांस के बारे में बता दिया, एक्सेलरेशन में डेफिनेटली ये CBR 650 से तेज़ है, और वो आपको फील भी होगा जब आप चलाओगे ना, तो आपको फील होगा कि ज़्यादा ज़्यादा पुल कर रही है ये, बट हर गियर में ये स्पीड थोड़ी सी कम बनाती है, और CBR का टॉप एंड स्ट्रॉन्ग होगा ऑफकोर्स, क्योंकि वो फेयर्ड बाइक है। जो स्विच गियर्स हैं वो थोड़ा सा आपको जो वो पुरानी अपनी कावासाकी की बाइक्स थी निंजा वंजा वैसा फील देगा, ऑल दो नए वाले में यहाँ पे प्रॉपर मेन्यू में नेविगेशन के लिए बटन दे दिए गए हैं, तो उसका भी वीडियो बनाऊंगा जैसा कि मैंने बोला। तो स्विच गियर ऐसा होगा। ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स काफ़ी अच्छी लग रही है, बट CBR की ब्रेक्स का जो फीडबैक है, बाइट है, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है। बट ऐसा भी देखो हो सकता है कि ये बाइक थोड़ी पहले की है, वेयर एंड टेयर होता है बाइक का, ब्रेक किस हालत में है, तो इसलिए उतना किसी को डायरेक्टली जज नहीं कर सकते। बट हाँ, CBR की ब्रेक्स मुझे वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक्स लगी अभी तक। तो चलाने में ऑलमोस्ट सेम वेट की लगती है बाइक जब रोड पर होती है, ऑल्दो जब आप इसको एक साइड से दूसरे पिक करोगे तो थोड़ा सा आपको हैवी लगेगी कंपैरेटिवली, मतलब वैसे तो हैवी नहीं है बट CBR कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको हैवी लगती है जब आप ये बाइक ऐसे ऐसे उठाते हो, पिक करते हो, और सीट हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा लो है। मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है, इसकी सीट हाइट इतनी ज़्यादा लो है, और जिसकी वजह से जो इसका पोस्चर है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आती है, क्योंकि हैंडल बार अपनी तरफ है, क्लोज है, और जब आप CBR में बैठते हो तो ऐसा लगता है कि हैंडल बार आगे चले गए, पता नहीं कहाँ पे, इसमें काफ़ी अपने पास लग रहे हैं। तो ये तो हो गई Z900 की बात, तो जल्दी से अपनी CBR उठा लेते हैं और बताता हूँ क्या चीज़ें बेटर लगनी, क्या चीज़ें नहीं बेटर लगनी है। ओके, लेट्स गो। तो एग्जॉस्ट की वजह से क्या हुआ ना, जैसे ये स्टार्ट की पूरा फील ही अलग आ गया एकदम, और ऊपर से इसका जो क्लच है भाई, एकदम सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट क्लच है, एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव, देख रहे हो। अगर इतना सा भी इसको वो करूंगा तो वो फीडबैक मिलेगा मुझे, देखो Z900 में थोड़ा सा लीनियर लगता था, मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स, बाकी जिस तरह से एक्सलरेट हो रही थी वो डेफिनेटली तेज था, बट एक्चुअली थोड़ा पोस्चर भी मैटर करता है ना, तो इसमें आप थोड़ा स्पोर्टी बैठ जाते हो तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी और अच्छी लगने लगती हैं। नाइस यार, नाइस। रिफाइनमेंट के मामले में दोनों गाड़ी आइडेंटिकल लगेंगी आपको, दोनों ही गाड़ी बहुत स्मूथ हैं, और कावासाकी और होंडा तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स बनाती हैं इनलाइन सीरीज की अगर बात करें। मजा आ गया ब्रो, मजा आ गया। हाँ, सो अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं पूरा कंपैरिजन शूट नहीं कर पाया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, सो आज कंटिन्यू करते हैं। ऑल दो गर्मी बहुत हो रही है बट क्या कर सकते हैं यार, जो काम करना है वो तो करना ही है। अभी तक मैंने आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स के बारे में बता दिया, ब्रेक्स के बारे में बता दिया, एंड ब्रेक्स डेफिनेटली बेटर है, और CBR का क्या है ना, CBR की जो राइड है वो बहुत ज़्यादा प्लस्ड है, मतलब पूरे टाइम CBR रोड से चिपकी रहती है, और आपको कभी भी ऐसा कॉन्फिडेंस लूज होने वाली फील नहीं आएगी। CBR का क्या है कि ये गाड़ी आपको और ज़्यादा पुश करेगी कि आप इस गाड़ी को और ज़्यादा पुश करो। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अपनी CBR में ज़्यादा बेटर लगती है कि CBR हर गियर में ज़्यादा स्पीड बनाती है, Z900 में आपको बहुत ही जल्दी जल्दी शिफ्ट करना पड़ता है, इस वजह से आपका एक्सेलरेशन भी अच्छा है, जैसे ड्यूक हो गई ना, तुरंत तुरंत शिफ्ट करना पड़ता है, एक्सेलरेशन अच्छा है, बट एज कम्पेयर टू अगर उसको RS से कंपेयर करते हो तो RS हर गियर में ज़्यादा स्पीड बनाती है। मैं ड्यूक 200 की बात कर रहा हूँ, 390 की नहीं। अभी रेड लाइट है यहाँ, रुकते हैं, चलो ग्रीन हो गई, गुड गुड साइंस।
सो मैं दिखाता हूँ कि ये हर गियर में कितनी स्पीड बनाती है एज कम्पेयर टू Z900। सो अभी पहला गियर है, पहले गियर में 111। चलो सेकेंड गियर, क्या बात है यार, 145 कर रही है ये सेकेंड गियर में भाई। खतरनाक भाई, खतरनाक। फोर्थ गियर में Z900 बना रही थी 187-88, CBR जा रही है 217 इन फोर्थ गियर। माइलेज की बात करें तो Z900 का माइलेज कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होगा, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो इस वजह से माइलेज कम होगा। ये वाला जो इंजन है होंडा ने बड़ा ही सही ट्यून किया है कि ये माइलेज ही बहुत अच्छा निकालती है अगर आप इसको आराम से चलाओगे। सो हाईवे पे अगर आप इसको और आराम से चलाओगे तो 25 से 28 के MPL तक ये दे सकती है, ऑल्दो सिटी में 20 के आसपास ये निकालती है डेली यूज में। दोनों ही बाइक्स इनलाइन फोर है, दोनों ही बाइक का जो इंजन का नेचर है वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर लगेगा जिस तरह से वो एक्सेलरेट होती है पोस्ट 5000 RPM, 6000 RPM जो सारी पारे आती है। एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको थोड़ा और हूलिगन टाइप बाइक चाहिए तो Z900 इज द वे टू गो, क्योंकि उसका जो नेचर है वो अपनी ड्यूक जैसा है कि हर आप जैसे ही थ्रॉटल दोगे गाड़ी उड़ने लग रही है, लिफ्ट कर रही है, हर टाइम लिफ्ट कर रही है और बहुत ही व्हीली फ्रेंडली बाइक है वो। CBR का क्या है, ये बहुत ही प्लज रहती है हर टाइम, मतलब आप किसी भी गियर में हो, किसी भी स्पीड पे हो, आप ब्रेक मारोगे फुल कॉन्फिडेंस और कोई भी रोड पे आप भगा रहे हो, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ये बाइक है कि मजा आ जाएगी। सो दोनों ही बाइक्स अपनी जगह बहुत ही अच्छी हैं और अगर मैं नेकेड बाइक लेता तो ऑफकोर्स वो Z900 ही होती, बट मुझे चाहिए थी इस बार एक फेयर्ड बाइक जिससे थोड़ा अपना टशन भोकाल बन सके, तो इसलिए मैंने ब्लेड उठाई। बस इसी नेचर की वजह से मुझे इससे प्यार हो गया है। सो जस्ट अभी एक भाई कार से जा रहे थे सेल्टॉस से, उन्होंने बाइक साइड में रुकवाई, मैंने कहा तो उन्होंने पूछा कितने की पड़ी, मैंने प्राइस वाइज सब उनको थोड़ा बहुत बताया, उसके बाद ही थॉट दैट दिस वन इज द CBR 1000 RR जो फायर ब्लेड आती थी। सो मैंने बताया नहीं, नहीं है 650 है और एक्चुअली ही ओन्स अ ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल। सो उन्होंने कहा बाइक बहुत अच्छी लग रही है, ढाई है ब्लेड अपनी ऐसी। एक्चुअली जब ये कंपैरिजन शूट कर रहे थे तो हम लोगों ने एक बार ना Z900 और ब्लेड को साथ में भगाया तो एकदम हेड टू हेड कंपटीशन था। लुक इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि इस बाइक ने मुझे अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट किया, एंड दूसरा फिर होंडा का इंजन रिलायबिलिटी मैन, कि सिर्फ आप सर्विस कराते रहो बाइक चलती रहेगी। अगर नेकेड की बात करें तो ऑफकोर्स Z900 इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग नेकेड्स आउट देयर, मतलब अगर इस कैटेगरी में आप बात करते हो तो। ऑल दो मुझे 800 का लुक भी बहुत ज़्यादा पसंद था एंड इवन 1000 का लुक भी बहुत ही कूल है। सो ये जो जी वाली सीरीज़ है ना, इनका लुक बहुत सही होता है नेकेड सेगमेंट की बात करें, बट ऑफकोर्स जो रोड की अपील की बात करोगे तो एक फेयर्ड बाइक थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग होती है। ये मैंने खुद देखा है, क्योंकि देखो जब आप ड्यूक लेके निकलते हो तो लोग उतना नोटिस नहीं करते, इवन जब RS लेके निकला था, जब नई RS ली थी तो हर कोई पूछता था ये कौन सी बाइक है, ज़्यादा लोग को पता नहीं था। फेयर्ड बाइक थोड़ा ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करती है। बस ये था एक छोटा सा कंपैरिजन, एक्चुअली छोटा सा नहीं, थोड़ा लंबा हो गया ये कंपैरिजन वीडियो, सो इसको यहीं पे एंड करते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्लोर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, 50K हो गए हैं। सो एक बार थैंक्स सारी ऑडियंस को, अपनी यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम फैमिली को। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, राइड सेफ, राइड हार्ड एंड बाय बाय।